हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीम एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 20 करवाई थी। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा डिप्थोंग एंड ट्राइफोन्स का रिविजन ही चल रहा है। तो अभी भी हम अपनी एक्सरसाइज 21 में भी आज वही करेंगे। ओके, तो आज हम आपको करेंगे एक्सरसाइज 21। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से देखिए एक एक आउटलाइंस को। ओके, देखिए डू यू हम एक साथ बना सकते हैं ना स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, देखिए डू यू, ओके, थिंक यू विल बी, इन चारों को हम एक साथ बनाएंगे। देखिए कैसे, थिंक यू विल बी, क्लियर। रिच, रिच में किसका साउंड आ रहा है, ई, लाइट ई का साउंड आ रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, थर्ड प्लेस वोवल। ठीक है, देखिए रिच और लाइट ई का साउंड आ रहा है वोवल का, लाइट सॉरी वोवल ई का साउंड आ रहा है, लाइट साउंड, लाइट साउंड आ रहा है, तो हम ये लाइट डॉट बनाएंगे। ठीक है, रिच, एनफ, एनफ क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड प्लेस वोवल है एनफ। ओके, टू रिटायर, देखिए ये हो गया हमारा टू रिटायर। ठीक है, रिटायर। ओके, वैन यू हम एक साथ बनाएंगे स्टूडेंट। वैन हमने आपको बताया था ना कैसे बनता है, वैन हमारा लाइन भी बनता है, ये हो गया हमारा वैन, और इसी के साथ में हमने यू ज्वाइंट कर दिया, ये हमने फ्रेज आपको पढ़ाई थी, ये हो गया हमारा वैन यू। रीच द, तो देखिए स्टूडेंट रीच, रीच द, रीच में हमें ई का साउंड आ रहा है, बड़ी ई का, हैवी साउंड आ रहा है ई का, तो हम डार्क डॉट लगाएंगे, क्लियर। एज, एज क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकेंड प्लेस वोवल है एज। ओके, ऑफ 50, देखिए ऑफ 50, क्लियर, ये हो गया हमारा फिफ्थ और ये हो गया टी, 50, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, यू विल बी, देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमारी फ्रेज है ना, यू विल बी। ओके, रिच, ये हो गया हमारा रिच, इफ यू कैन, इफ यू कैन हम एक साथ बनाएंगे, देखिए इफ यू कैन, है ना, कितना इजी है ना। देखिए हमारे ये दो लाइन का सेंटेंस है, ये जो हमारा यहाँ पे इंग्लिश में हमने लिखा है दो लाइन में है, और शॉर्ट हैंड में हमारा केवल एक ही लाइन में आ गया, तो इतनी इजी होती है शॉर्ट हैंड। रिटायर, रिटायर, क्लियर। विद, ये हो गया हमारा विद। ओके, एनफ, एनफ, देखिए हमने आपको भी बताया था क्या होता है हमारा एनफ, सेकेंड प्लेस वोवल। मनी, मनी भी क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड प्लेस वोवल है। ओके, टू लिव, देखिए टू लिव ऑन, फुल स्टॉप, वी कैन, एक साथ लिखेंगे हम, देखिए वी कैन, शो यू हाउ, यू कैन, यू कैन, बाय ए लाइफ, ये सभी वर्ड्स की हम आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। एनुइटी, देखिए एनुइटी, एनुइटी, फॉर ए लो, आउटले, आउटले, क्लियर। अब देखिए हम नाउ भी इसी के साथ में बना देते हैं आगे को। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आउटले नाउ, ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, क्लियर, आ गया ना अच्छे से समझ में। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा एक पैराग्राफ, अब हमारा यहां से शुरू हो रहा है दूसरा, तो जब हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो हम उसे दूसरी लाइन में ही बनाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं उसे, देखिए हाउ, वुड, योर फैमिली, फैमिली क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है फैमिली। ठीक है, फैमिली। ओके, फेयर, फेयर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड प्लेस वोवल। इफ यू शुड, देखिए इफ यू शुड, एक साथ बना दिया हमने इफ यू शुड। डाई नाउ, क्वेश्चन मार्क, कैन यू, देखिए स्टूडेंट्स हम कैन यू एक साथ बनाएंगे, ये हो गया हमारा कैन और इसी के साथ में हमारा ये ज्वाइंट हो गया यू। लीव,
लीव एनफ एनफ फॉर देम एक साथ बना दिया हमने फॉर देम टू देखिए टू लिव हम एक साथ बनाएंगे टू लिव ऑन क्वेश्चन मार्क ओके क्लियर तो आइए अब इसको रीड करते हैं स्टूडेंट देखिए डू यू थिंक यू विल बी रिच एनफ टू रिटायर व्हेन यू रीच द एज ऑफ 50 क्वेश्चन मार्क यू विल बी रिच इफ यू कैन रिटायर विद एनफ मनी टू लिव ऑन फुल स्टॉप वी कैन शो यू हाउ यू कैन बाय ए लाइफ एन्युइटी फॉर ए लो आउटले नाउ फुल स्टॉप ओके अब देखिए नेक्स्ट हाउ वुड योर फैमिली फेयर इफ यू शुड डाई नाउ क्वेश्चन मार्क कैन यू लीव एनफ फॉर देम टू लिव ऑन क्वेश्चन मार्क क्लियर आगे समझ में अच्छे से तो अब आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके बाद का बचा हुआ पैराग्राफ कराते हैं ओके ओके स्टूडेंट्स देखिए अब आगे का पैराग्राफ देखिए वी आर नाउ हम एक साथ बनाएंगे है ना ये हम आपको बता चुके हैं देखिए कैसे वी आर नाउ ओके इशूइंग देखिए स्टूडेंट्स इशू हमारा थर्ड प्लेस वोवेल होता है और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं क्लियर क्या हो गया हमारा ये इशूइंग ठीक है ए न्यू लाइफ पॉलिसी ठीक है पॉलिसी विच विल मेक इट हम एक साथ बनाएंगे स्टूडेंट्स देखिए मेक इट इजी फॉर यू एक साथ बनाएंगे देखिए कैसे फॉर यू टू डू वॉट यू देखिए स्टूडेंट्स वॉट यू एक साथ आ गया हमारा वॉट यू वुड ये आ गया हमारा वुड ठीक है विश देखिए ये आ गया हमारा विश ठीक है उसके बाद फुल स्टॉप यू कैन टेक आउट द देखिए स्टूडेंट टेक आउट द हम एक साथ बनाएंगे टेक आउट द ठीक है ये हो गया हमारा टेक और ये आउट और द पॉलिसी देखिए हमने अभी बताया है आपको पॉलिसी क्लियर फॉर ए लो चार्ज फर्स्ट प्लेस वोवेल है हमारा चार्ज फुल स्टॉप वी नो ठीक है वी नो यू विल लाइक इट ठीक है तो देखिए लाइक इट फुल स्टॉप वुड यू लाइक क्योंकि हमारा लाइक टू सी इट अलग अलग बनाएंगे कि टू सी इट क्वेश्चन मार्क ओके स्टूडेंट्स इतना आगे समझ में अब देखिए आगे यहां से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है देखिए इफ सो कॉमा राइट योर डेट ऑफ बर्थ क्या है स्टूडेंट्स हमारा बर्थ हमारा सेकेंड प्लेस वोवेल है ओके बिलो भी क्या है बिलो सेकेंड प्लेस वोवेल एंड मेल द हम एक साथ बनाएंगे देखिए मेल द ओके फॉर्म
फॉर्म, ओके और है ना समझ में, फॉर्म टुडे, टू डे, ओके फुल स्टॉप, क्लियर। आगे ना समझ में किस तरह से हम बनाते हैं, तो आइए आप इसको रीड करते हैं स्टूडेंट। देखिए, वी आर नाउ इशूइंग ए न्यू लाइफ पॉलिसी विच विल मेक इट इजी फॉर यू टू डू वॉट यू वुड विश, फुल स्टॉप, यू कैन टेक आउट द पॉलिसी फॉर ए लो चार्ज, फुल स्टॉप, वी नो यू विल लाइक इट, फुल स्टॉप, वॉट यू लाइक टू सी इट, क्वेश्चन मार्क, इफ सो कॉमा राइट योर डेट ऑफ बर्थ बिलो एंड मेल द फॉर्म टूडे, फुल स्टॉप, ओके क्लियर। आगे समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट, तो अब हम आपको इसकी डिक्टेशन देते हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके और उसके कम से कम तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपके इसमें एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो जब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो हम डिक्टेशन दे रहे हैं उसको आप लिखेंगे और फिर आप उस डिक्टेशन को चेक करेंगे कि आपकी कितनी गलतियां उसमें आ रही हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट। डू यू थिंक यू विल बी रिच एनाफ टू रिटायर व्हेन यू रीच द एज ऑफ 50, क्वेश्चन मार्क, यू विल बी रिच इफ यू कैन रिटायर विद एनफ मनी टू लिव ऑन, फुल स्टॉप, वी कैन शो यू हाउ यू कैन बाय ए लाइफ एनुइटी फॉर ए लो आउटले नाउ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ वुड योर फैमिली फेयर इफ यू शुड डाई नाउ, क्वेश्चन मार्क, कैन यू लीव एनफ फॉर देम टू लिव ऑन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, वी आर नाउ इशूइंग ए न्यू लाइफ पॉलिसी विच विल मेक इट ईजी फॉर यू टू डू वॉट यू वुड विश, फुल स्टॉप, यू कैन टेक आउट द पॉलिसी फॉर ए लो चार्ज, फुल स्टॉप, वी नो यू विल लाइक इट, फुल स्टॉप, वुड यू लाइक टू सी इट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, इफ सो कॉमा राइट योर डेट ऑफ बर्थ बिलो एंड मेल द फॉर्म टुडे, फुल स्टॉप, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गई है हमारी इसकी डिक्टेशन, आप लोग पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आज जो हमने आपको पढ़ा है, उसके बाद में जो हमने डिक्टेशन दी इसको आप बिना देखे लिखेंगे, फिर आप उसे चेक करेंगे कि आपकी कितनी गलतियां आ रही हैं, इसी से आपकी शॉर्ट एंड क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।